गौरव, क्या तुम अपने इन कंचों में और मेरी पुस्तक में अंतर बता सकते हो? हाँ नीना, ये कंचे गोल हैं और कांच के बने हैं। तुम्हारी पुस्तक गोल नहीं है और कांच की नहीं बनी है। अच्छा, मुझे कुछ वस्तुओं के नाम बताओ जो चल फिर सकती हैं। मोटरसाइकिल, कार, बस। अब तुम सब कुछ मुझसे ही पूछती रहोगी या खुद भी कुछ बताओगी? हाँ दीदी, कुछ खुद भी बताइए। अच्छा, ये वस्तुएं बता दो स्थिर रहती हैं, जैसे ये हमारी मेज, ये मेरी पुस्तक और ये हमारी कुर्सी। अच्छा नीना, ये हमारी मेज क्यों नहीं चल सकती? हाँ दीदी, ये मेज क्यों नहीं चल सकती? मैं बताती हूँ। हाँ बताइए दीदी। देखो गौरव, हम अपने आसपास जो भी वस्तुएं देखते हैं उनमें से कुछ तो गति करती हैं और कुछ गति नहीं करती हैं। जी दीदी, जैसे तुम्हारा ये कंचा ही था, कंचे को तुम चला रहे थे ना, तो कंचा तुम्हारा गति कर रहा था, जी ठीक जी है। लेकिन नीना की पुस्तक गति नहीं कर रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गति क्या है। किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को हम गति कहते हैं। ठीक है, जी। किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को हम गति कहते हैं। ठीक है, जी। किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को ही हम गति कहते हैं। ठीक है, जी। अब गति सब एक जैसी नहीं होती है। अच्छा जी। कुछ वस्तुएं स्थानांतरी गति करती हैं, जैसे सृष्टि तुम्हारी ये गाड़ी उठाओ जरा सा, ये देखो ये सृष्टि की गाड़ी है जैसे। ठीक है गौरव, इसको सृष्टि चलाती होंगी तो ये गति करती है। हम चला रहे हैं, ये देखो ये कहाँ जा रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रही है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु एक स्थान से अपना स्थान परिवर्तित करके दूसरे स्थान को गति करती है तो उसकी गति को हम स्थानांतरी गति कहते हैं। ठीक है, इसको रखो सृष्टि नीचे। जब कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है तो उस गति को स्थानांतरी गति कहते हैं। जी। ठीक है, जी। स्थानांतरी गति दो प्रकार की होती है। जी, कौन सी? इसमें से पहली गति है सरल रेखी गति। जी, कौन सी गति होती है? सरल रेखी गति, जी सरल रेखी गति वो गति है जिसमें वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, जी। तो कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करे तो उसकी गति को हम सरल रेखी गति कहते हैं। जी। जैसे प्रकाश की गति, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, कैरम की चलती हुई गोट, कैरम की गोट सीधी रेखा में चलती चलती है। ठीक है, और ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई गेंद। सृष्टि जरा अपनी गेंद दो भाई, ये है सृष्टि की, देखो गेंद है, इसको अगर हम ऊपर से गिराएंगे तो ये सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, ऊपर से गिराएंगे तो ये एक सीधी रेखा में गति करेगी। ठीक है, अब दूसरी गति है वक्र रेखी गति। गौरव तुम्हारा गुब्बारा कहाँ है? अभी तुम इसको उड़ा रहे थे, कैसे उड़ा रहे थे, जय दिखाओ। जी, ऐसे। इसकी गति कौन सी गति होगी नीना? दीदी, ना तो ये सरल स्थान रेखी गति है। और ना ही स्थानांतरी गति है, ये गति है वक्र रेखी गति। ठीक है, जब कोई वस्तु वक्र रेखी मार्ग में, वक्र रेखी का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े मार्ग में, जब कोई वस्तु वक्र रेखी मार्ग में गति करे तो इस प्रकार की हुई गति को वक्र रेखी गति कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु वक्र रेखी मार्ग में गति करे तो इस प्रकार की हुई गति को वक्र रेखी गति कहेंगे। जैसे हवा में उड़ता हुआ गोला,
गुब्बारा और 36 दिशा में फेंका गया गेंद या 36 दिशा में फेंका गया पत्थर। तुम अपनी गेंद दो सृष्टि, अगर हम इस गेंद को ऐसे फेंकते हैं तो इसकी गति को वक्र रेखी गति कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरित गति दो प्रकार की हो गई, सरल रेखी गति और वक्र रेखी गति। ठीक है, अब नीने तुमने क्या बनाया भाई, कोल्हू का बैल। जी दीदी, ये देखो भाई, सृष्टि तुम बताओ ये बैल जो चल रहा है इसके पैरों का जो मार्ग है चलने का वो कैसा है, कैसे घूम रहा है? दीदी ये तो गोल जा रहा है। गोल जा रहा है? जी गोल है। हाँ ठीक है, ये वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, इसकी गति को हम कहेंगे वृत्ती गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसकी गति को हम वृत्ताकार गति कहते हैं। जैसे तुम्हारे कोल्हू का बैल, ठीक है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हाँ, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करे तो इसकी गति को वृत्ती गति या वृत्ताकार गति कहते हैं। ठीक है, चाहे वृत्ती गति कहें चाहे वृत्ताकार गति कहें। जैसे कोल्हू का बैल और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर वृत्ताकार मार्ग में ही लगाती है। ठीक है, तो उसकी गति को क्या कहेंगे, वृत्ती गति या वृत्ताकार गति। ठीक है, तो क्या सीखा नीना हमने आज? जी हम लोगों ने गति के बारे में सीखा। हाँ ठीक है, स्थानांतरित गति, वक्री गति, शाबाश, सरल रेखीय गति और वक्री गति। वक्री गति, वक्री गति किसे कहते हैं नीना दीदी? जिसे वक्त में परिवर्तन वाले, तुम बताओ गौरव जी। वक्री गति जब कोई वस्तु, हाँ हाँ ठीक, टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करती है या वक्र रेखी मार्ग में गति करती है तो इसकी गति को वक्र रेखी गति कहते हैं। ठीक है, सरल रेखी गति नीना किसे कहते हैं? जो सीधे मार्ग में चलती है सरल रेखी गति। हाँ ठीक है, जब कोई वस्तु सीधे मार्ग में गति करती है तो उसको हम सरल रेखी गति कहते हैं। इसका क्या उदाहरण बताया था सरल रेखी गति का गौरव? जी जैसे चलती हुई मोटर, प्रकाश की गति और कैरम की गोट की गति, चलती हुई गोट की गति, रखी हुई गोट नहीं, कैरम की चलती हुई गोट की गति। और क्या बताया था एक उदाहरण दीदी जी? जैसे ऊपर से गिरती, हाँ शाबाश, ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई गेंद या गिरता हुआ पत्थर। ठीक है जी।